दोस्तों, उम्मीद है पैसों की तुरंत जरूरत पड़ने पर आप बैंक की बजाय एटीएम का रुख करते होंगे। एटीएम के आविष्कार ने सेल्फ सर्विस के ऑप्शन को पैदा करके इंसानों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में अहम रोल प्ले किया है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है और हिंदी में इसे स्वचालित गणक मशीन भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से बैंक अकाउंट होल्डर बिना क्लर्क और कैशियर की मदद से पैसों को निकाल सकता और जमा भी कर सकता है। दोस्तों, साथ ही में अकाउंट बैलेंस चेक करना हो या अकाउंट की मिनी प्रिंट स्टेटमेंट निकालना हो या फिर फंड ट्रांसफर करना हो, ये सभी सुविधाएं एटीएम में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, एटीएम को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन, बैंकोमैट, कैश पॉइंट, कैश डिस्पेंसर और होल इन द वॉल जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ले चलते आपको एटीएम के ऐतिहासिक सफर में। 1930 दशक के अंतिम वर्षों में लोग यूएसए, जापान और यूरोप के देशों में धन के कुशल प्रबंधन और सेफ्टी के लिए बैंकों का पहले के मुकाबले ज्यादा रुख करने लगे। लोगों की इस एक्टिविटी से बैंकों पर भी ज्यादा वर्कलोड पड़ने लगा था। दोस्तों, बैंकों के पास उस समय बैंक कर्मियों की संख्या बहुत कम होती थी और दूसरा, बैंकिंग सर्विसेज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी काफी कम होता था। तीसरा, दोस्तों, बैंकों के खुले रहने के सीमित घंटे थे। इन परेशानियों की वजह से लोगों को भी अपने काम करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कभी कभार तो दिन भर लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता था और उन्हें बैंकों से खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ता था। दोस्तों, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कई इन्वेंटर्स ने प्रयास करने शुरू किए। इस तरह का पहला प्रयास अमेरिकन इन्वेंटर लूथर जॉर्ज सिमजियान ने किया था। इन्होंने होल इन द वॉल नामक मशीन का आइडिया 1939 में दिया और इस मशीन को बैंकों में सेल्फ सर्विस को प्रमोट करना था, लेकिन इस मशीन की कमियां अधिक होने के कारण बैंकों ने इसे तुरंत नकार दिया था। दो दशकों के बाद जॉर्ज सिमजियान ने 1960 में ऑटोमेटिक डिपॉजिट मशीन की घोषणा की और इस मशीन को न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बैंकोग्राफ के नाम से इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों, इस मशीन के माध्यम से कॉइन्स, कैश और चेक को डिपॉजिट किया जा सकता था, लेकिन इसमें अभी भी कैश निकालने वाली फीचर्स मिसिंग थी। 6 महीने के बाद ही लोगों की स्वीकृति के कारण इसे रिमूव करना पड़ा। लोग उस समय में भी बैंक के लेन देन को काफी संवेदनशील मामला मानते थे और ऐसे भी पैसों को किसी मशीन के भरोसे छोड़ने को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लिहाजा ये बड़ा जोखिम था और कोई बैंक इसके इस्तेमाल को तैयार नहीं था। दोस्तों, इसी दशक में कार्ड सिस्टम और कार्ड पर पिन स्टोर करने के मेथड को भी डेवलप किया गया था। 1966 में जापान में कंप्यूटर लोन मशीन को डेवलप किया गया जिसका काम सिर्फ लोन देना था। दोस्तों, यह मशीन कस्टमर के बैंक अकाउंट की बजाय क्रेडिट अकाउंट से जुड़ी होती थी। दोस्तों, अब चलते हैं आधुनिक एटीएम के खोज की तरफ। इसकी खोज का श्रेय स्कॉटलैंड के जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है। जॉन बैंक नोट बनाने वाली कंपनी डेलारो के लिए काम करते थे। दोस्तों, जॉन को एक चीज बहुत समय से काफी परेशान कर रही। दरअसल होता यह था कि बैरन जब सैटरडे को बैंक अपने चेक में से पैसे निकालने के लिए जाते तो उन्हें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कई बार तो वो बिना पैसों के ही घर लौटते थे। दोस्तों, इसी तरह से एक सैटरडे को जॉन बैंक गए, लेकिन वहाँ पर वो पैसे नहीं निकाल पाए। उसी शाम उन्हें आइडिया आया कि जिस तरह से चॉकलेट वेंडिंग मशीन में पैसे डालते ही चॉकलेट बाहर निकल आती है, उसी तरह एक मशीन बनाई जाए जिससे कि पैसे निकल सके। 1967 में 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बैरन ने चॉकलेट वेंडिंग मशीन की तर्ज पर एक मशीन बनाई जिसमें 6 अंकों का एक पिन एंटर करना होता था। दरअसल बैरन आर्मी में रहे थे और उन्होंने अपने आर्मी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ही अपना पिन बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि वो 6 अंकों का पिन याद नहीं रख सकती, इसलिए बैरन ने पिन को बदलकर 4 अंकों का कर दिया। दोस्तों, दुनिया के पहले आधुनिक एटीएम को जून 1967 में नॉर्थ लंदन के एनफील्ड की गलियों में स्थित बार्कलेज बैंक में सेटअप किया गया। दोस्तों, इस एटीएम से कैश निकालने वाले पहले व्यक्ति ब्रिटिश कॉमेडियन रैग वॉर्नी थे। दोस्तों, उस समय पैसों को निकालने के लिए किसी कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता था।
उस समय कार्बन 14 से प्रिंटेड एक चेक लगाया जाता था। इसके बाद मशीन चेक का अकाउंट से मिलान करती और कैश बाहर निकल आता। दोस्तों उस समय एटीएम से अधिकतम 10 पाउंड ही निकाले जा सकते थे। शुरुआत में एटीएम को डेक्स कहा जाता था, जिसका पूरा नाम डेलारू ऑटोमेटिक कैश सिस्टम था। दोस्तों इसका नाम बैंक नोट प्रिंट करने वाली कंपनी के नाम पर रखा गया था। समय के साथ साथ एटीएम एडवांस होते गए और कैश निकालने की तकनीक में भी बदलाव आता गया। भारत में पहला एटीएम 1989 में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा मुंबई में लगाया गया। दोस्तों आरबीआई के अनुसार भारत में 2 लाख से भी ज़्यादा एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जिनकी संख्या 65,570 है। दोस्तों भारत में केरल राज्य के कोची में दुनिया का पहला तैरता एटीएम एसबीआई के द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।